हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, लाइफ प्रोसेसेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ओके, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग। ये सब कुछ बेसिक फंक्शंस है। ये फंक्शंस क्यों परफॉर्म करता है हमारा बॉडी? फॉर इट्स सर्वाइवल। सो ये सभी फंक्शंस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। ओके, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आर लाइफ, अ बेसिक फंक्शन दैट आर बॉडी परफॉर्म्स। सो इन सभी फंक्शंस को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत होती है। ऑर्गन्स इकट्ठा काम करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। ओके, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जब थोड़े से ऑर्गन्स इकट्ठा काम करते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। तो देर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स इन आर बॉडी, लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। और भी है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आर बॉडी। सो एज यू कैन सी, इन डाइजेस्टिव सिस्टम देर इज लिवर, ओके, देन देर इज स्टमक, देन ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल दीज वर्क टुगेदर, एंड बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। ओके, और दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, हमारी बॉडी के अंदर एयर जाएगा, देन बॉडी के बाहर एयर आएगा, कि दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सो द मूवमेंट ऑफ एयर और डिजॉल्व्ड गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज इनहलेशन और इंस्पिरेशन एंड एक्सहलेशन और एक्सपिरेशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनहलेशन। व्हेन आवर बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन एंड इट इज पास्ड ऑन टू द लंग्स थ्रू ट्रैकिया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैकिया? Trachea is a part of your throat. Okay, it is a tube-like structure in your throat, जहाँ से oxygen या फिर air को pass on किया जाता है to the lungs. Okay, तो यहाँ से trachea, जो throat में जो tube-like structures होता है, उसे हम कहते हैं trachea. So oxygen जो हम nose से breathe in करते हैं, वो through trachea कहाँ तक पहुँचता है? Towards our lungs. Now what do you mean by expiration? Expiration, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वी ऑल नो दैट बेसिक थिंग, राइट? ऑक्सीजन को टेक इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सहलेशन। सो एक्सहलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। हमारी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उनके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो दैट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहलेशन। ओके, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है? ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ब्लड लंग्स तक पहुंचाता है एंड लंग्स से इट विल बी पास्ड ऑन टू द नोज एंड रिलीज्ड आउट। सो इनहलेशन एंड एक्सहलेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली सेल्स और टिश्यू फ्लूइड्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, लाइक दिस इज अ ब्लड सेल एंड दिस इज टिश्यू फ्लूइड। सो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन मिलता है, हमने देखा था जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन रीचेस द लंग्स, फ्रॉम लंग्स इट इज पास्ड ऑन टू ब्लड। अब ब्लड इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा एंड इट विल पास इट टू द टिश्यू फ्लूइड।
देन हमने क्या देखा था, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी में सेल के एक्टिविटीज के बाद में, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो उस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू फ्लूइड कैरी करेगा ब्लड तक। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और टिश्यू फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है ब्लड के अंदर। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर? वेरी सिंपल। सेल्स और टिश्यू फ्लूइड्स के बीच का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस और द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज होती है बेसिकली। तो ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो परफॉर्म हो रहा है, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें बेसिकली जो भी फूड मटेरियल्स हमने खाया, उसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर देगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स सेल के पास पास ऑन कर देता है। दैट न्यूट्रिएंट्स या फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एनर्जी पैकेट्स। ओके, एनर्जी पैकेट्स, हम फूड खाने के बाद हमें एनर्जेटिक लगता है, क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस के बाद न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी तक पहुँचता है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स, राइट? सो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें एनर्जी पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। ये प्रोसेस के बाद थोड़े से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है, हमने एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में देखा था। कौन पास आउट करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को? टिश्यू फ्लूइड। ओके, टिश्यू फ्लूइड कहाँ तक पहुँचाएगा? इसे ब्लड तक पहुँचाता है। तो वहाँ से इट विल पास ऑन टू द लंग्स, और फिर लंग्स से इट विल बी एक्सहेल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नोज। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज किया जाता है, और ये पूरे प्रोसेस को इन अ केमिकल इक्वेशन हम अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, या फिर हम यहाँ पे वाटर लिखते हैं। एंड उसके बाद वॉट इज प्रोड्यूस्ड? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो सेल के अंदर हो रहा है, ये रिएक्शन से क्या बनता है? एनर्जी। ओके, सो हमने देखा रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। So let's move ahead and understand the structure of respiratory system. Okay, so हमने समझा कि respiration क्या होता है, respiration के types कितने होते हैं। Now respiratory system के अंदर कौन से organs present है? सबसे पहले respiration starts with nose. अब इनके functions के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ हम structure को समझते हैं। So it starts with your nose, जहाँ पे air को breathe in किया जाता है। देन देर इज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक सॉफ्ट एरिया है थ्रोट में। ओके, हमारे गले में एक सॉफ्ट एरिया है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों स्टार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर से एयर जो हम ब्रीदन कर रहे हैं वो लंग्स तक जाता है, और एयर जो हम ब्रीद आउट करेंगे वो नोज तक आता है। ओके, नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स हम एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, ये थोरासिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, दिस एरिया, द एरिया बिलो योर नेक, दिस इज कॉल्ड एज थोरासिक कैविटी। ओके, सो थोरासिक कैविटी के अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होता है। देयर इज अ डायफ्राम। द डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन इन योर बॉडी, जो कि थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। सो दिस वॉज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे नोज, फेरिक्स, विंड पाइप, लंग्स और डायफ्राम प्रेजेंट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस, हर एक पार्ट क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेट्स सी दैट।
सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ नोज। सो नोज में एयर को फिल्टर किया जाता है। हम ब्रीद इन कहाँ से करते हैं? थ्रू नोज। सो नोज से एयर जब पास होता है तो फर्स्ट इट इज फिल्टर्ड। यू नो हमारे नोज के अंदर बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर्स आर प्रेजेंट एंड म्यूकस इज प्रेजेंट। ये दोनों चीज़ों की वजह से एयर के अंदर जो जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट इज फिल्टर्ड। सो नोज में फिल्ट्रेशन का काम होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक सॉफ्ट पार्ट होता है आपके थ्रोट में जहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ओरिजिनेट होते हैं, दोनों स्टार्ट होते हैं। ओके तो इसका काम बेसिकली क्या होता है? एयर को पास करना कहाँ तक? विंड पाइप। पेरिंग्स से जब विंड पाइप स्टार्ट होता है, एट द बिगनिंग ऑफ विंड पाइप। ओके विंड पाइप के स्टार्टिंग में ही एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लिड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स, जो भी फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि फूड पाइप तक जाने चाहिए, इट विल स्टॉप दोज फूड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन टू विंड पाइप। ओके विंड पाइप से वो फूड पार्टिकल्स को बचाएगा एंड इट विल जस्ट पास ऑन द फूड पार्टिकल्स टू द फूड पाइप इटसेल्फ। ओके फूड पाइप विंड पाइप के पीछे की तरफ होता है, दैट इज विंड पाइप फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके सो विंड पाइप के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लिड लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? प्रिवेंट करना फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप के अंदर घुसने से। ओके सो फेरिंग्स से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओरिजिनेट होते हैं, एयर पास ऑन होता है फेरिंग्स से विंड पाइप तक। अब विंड पाइप जो होता है दैट बाइफकेट्स। हमारे थ्रोट में एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। ये स्वोलन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साउंड बॉक्स। ओके इस धर विंड पाइप के ऊपर साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई विंड पाइप इज स्वोलन। और ये विंड पाइप आफ्टर इट एंटर्स इन टू द थोरासिक कैविटी वो बाइफरकेट होता है इंटू टू पार्ट्स। ओके लेफ्ट एंड राइट तक जाता है वो, दोनों लंग्स तक जाता है। ओके एक ब्रांच राइट लंग के पास जाता है, दूसरा ब्रांच लेफ्ट लंग के पास जाता है। क्लियर? सो विंड पाइप के ऊपर साउंड बॉक्स होता है, देन वो बाइफरकेट होता है, दैट इज डिवाइड हो जाता है। बाइफरकेट मीन्स इट गेट्स डिवाइडेड एंड वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग एंड अनदर ब्रांच एंटर्स द लेफ्ट लंग। नेक्स्ट पार्ट इज लंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द थोरासिक कैविटी। ओके दिस एरिया दैट इज बिलो योर नेक एरिया, जो भी ये एरिया है उसे हम कहते हैं थोरासिक कैविटी। ओके वॉट इज दिस कॉल्ड? थोरासिक कैविटी। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग पे दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है और ये कवरिंग डबल लेयर्ड होता है। ओके ये जो कवरिंग होता है ऊपर का दैट इज डबल लेयर्ड और इसे हम कहते हैं प्लूरा। क्लियर व्हाट इट इज कॉल्ड? प्लूरा। लंग्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके दे आर इलास्टिक एंड दे आर स्पॉन्ज लाइक। लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, अब सपोज दिस इज एन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के अराउंड रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। ये एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके ये दोनों के वॉल्स काफी थिन होते हैं इसलिए एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वियोला के अंदर घुस जाता है एंड एल्वियोला के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर पहुंच जाता है। ओके सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। सो लंग क्या होता है? लंग एक इलास्टिक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी एंड दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, दैट इज राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। उनके ऊपर एक डबल लेयर का कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरा एंड लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट एल्वियोलाई। ये एक बंच जो होता है, ओके दिस वन बंच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई एंड
एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं एल्वियोलस। ठीक है, हर एक एल्वियोलस के ऊपर से ब्लड कैपिलरी पास करता है। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, ब्लड कैपिलरी एल्वियोलस के ऊपर से पास कर रहा है। ये एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो कैपिलरीज के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इट एंटर्स इनटू द एल्वियोलाई, एंड जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इट गोज इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। इन दोनों के वॉल्स काफ़ी थिन होते हैं, इसीलिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट इज डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टिशन है। कहाँ पे? एट द बेस ऑफ थोरेसिक कैविटी। सी, नेक के बिलो का एरिया को क्या कहते हैं हम? थोरेसिक कैविटी। और स्टमक एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरेसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, उन दोनों के बीच में एक मस्कुलर पार्टिशन होता है, उसे कहते हैं डायफ्रम। उसे कहते हैं हम डायफ्रम। डायफ्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग फंक्शन के लिए। व्हाट हैपेंस इज व्हेन रिब्स एक्सपांड, ओके, ये हमारा रिब्स है यहाँ पे। व्हेन द रिब्स एक्सपांड एंड डायफ्रम क्या हो जाता है, वो लोअर्स, दैट इज वो नीचे आ जाता है। देन देर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं तो वो लंग्स तक पहुंच जाता है। दिस इज हाउ इनहलेशन हैपन्स। रिब्स एक्सपांड होते हैं एंड डायफ्रेम नीचे जाता है, दैट इज इट लोअर्स, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड ऑक्सीजन विल एंटर इन टू द लंग्स। नाउ एक्सलेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा? एक्सलेशन प्रोसेस में जब रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है एंड डायफ्रम ऊपर चला जाता है, ओके, डायफ्रम मूव्स अपवर्ड्स, डायफ्रम मूव्स अपवर्ड्स, तो व्हाट हैपन्स इज देर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर। देर इज इंक्रीज इन प्रेशर इन साइड दिस एरिया एंड बिकॉज ऑफ विच लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड अप है, इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नोज। सो डायफ्रम का मूवमेंट इज वेरी एसेंशियल इन आर ब्रीदिंग एक्टिविटी। ओके, डायफ्रम ये ऊपर नीचे ऑल्टरनेटिवली वो मूव कर रहा है, दैट इज हाउ वी कैन इनहेल एंड एक्सहेल। दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स थे और हमने उनके फंक्शंस देखे। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब हेमोग्लोबिन जो RBC में प्रेजेंट होता है, दैट इज हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। इट विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे बॉडी में, दैट इज आफ्टर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज रिलीज्ड और इट मूव्स इन टू द एल्वियोलाई। इसे हम समझते हैं विद अ डायग्राम। जैसे दिस इज एल्वियोलाई एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लड कैपिलरी। द ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव एंड इट विल बी पास्ड ऑन टू द एल्वियोलाई। ठीक है, आप देख सकते हो दिस एल्वियोलाई के पास गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इट एंटर्स इन टू द कैपिलरी। क्लियर? लेट अस लुक एट दिस वंस अगेन। एल्वियोलाई के पास क्या है अभी? ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो जाएगा कहाँ पे? एल्वियोलाई के पास। और ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई के अंदर है वो एंटर हो जाएगा कैपिलरी के अंदर। ओके, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के पास चला गया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ऑफ गैसेस। ओके, हमने देखा है एनी सब्सटेंस विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है,
एंड यहाँ पे अभी गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी. ओके, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चला गया एल्वियोला के पास, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन बाहर जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द बॉडी. ओके, सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज परफॉर्म्ड इनसाइड आवर लंग्स. किसकी वजह से होता है? ये एल्वियोलाई की वजह से होता है. वी स्टडीड अबाउट अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने फर्स्ट देखा व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सेलुलर. फिर हमने ये सीखा अबाउट आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कौन से पार्ट्स होते इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नोज, फेरिंग्स, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम. ओके, एंड वी स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स एंड हमने सीखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे परफॉर्म होते हैं. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज श्रीजा साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.